मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी अदर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, सो थर्ड मेथड इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स. नाइट्राइल्स, व्हेन यू हाइड्रोलाइज द नाइट्राइल्स विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सो नाइट्राइल्स मीन्स क्या होता है, सी एन ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्राइल. ठीक है, तो आर सी एन इज द एनी एल्काइल नाइट्राइल, उसका जो अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यू कैन हाइड्रोलाइज इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम. ठीक है, सो क्या बनता है, एमाइड बनता है. ठीक है, फिर इस एमाइड का अगेन आपको हाइड्रोलिसिस कराना है और साथ में उसको गर्म भी करना है. ठीक है, तब फिर फाइनली क्या मिल जाता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर आप माइल्ड कंडीशन यूज करोगे तो आप सिंपल क्या बना सकते हो, नाइट्राइल से एमाइड बना सकते हो. ठीक है, पर हमको हमको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था, तो हमने उसका हाइड्रोलिसिस फिर से कराया और उसको गर्म भी किया, तो हमको फाइनली क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया. ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, अमोनिया निकल जाता है इसमें. ठीक है, अमोनिया गैस निकल जाती है, तो फाइनली क्या मिलता है, आर सी ओ ओ एच. देखो ना, यहाँ पर क्या होगा, एच प्लस और क्या मिलेगा, ओ एच माइनस आयन. हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, सो एच प्लस किसके साथ चले जाएगा, एन एच टू के साथ, और अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ओ एच यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अगर एमाइड है मेरे पास, है ना, सिंपल सिर्फ एमाइड है, तो एमाइड से अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका हाइड्रोलिसिस और उसको गर्म कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एमाइड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा. ठीक है, जैसे ये एक एमाइड है, ठीक है, एराइल एमाइड है, सी ओ एन एच टू, तो इसको मुझे क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है और उसको हीट करना है. ठीक है, सो क्या निकलेगी, अमोनिया गैस निकल जाएगी और क्या मिल जाएगा मुझे, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा. ठीक है, सो एमाइड से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो सिंपल उसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा और उसको हीट करना पड़ेगा. ठीक है, पर अगर आपको नाइट्राइल से बनाना है, ठीक है, नाइट्राइल से बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको एमाइड में कन्वर्ट करना है, फिर एमाइड से किस में बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाना है. ठीक है, क्लियर हुआ. जो फोर्थ मेथड है, इट इज़ फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट. अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ना कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, तो हमको एक सॉल्ट मिलेगा, उस सॉल्ट का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, क्योंकि जब हम कन्वर्शन करेंगे ना, तो इसका बहुत ज़्यादा इस मेथड का यूज़ करेंगे. ठीक है, जब आगे हम लोग इसका जो एग्जांपल 12.5 है वो करेंगे, या फिर बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करोगे ना, तो ये मेथड बार बार यूज़ होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से क्या बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना. क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाना आपको आना चाहिए. ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं, अगर आप किसी भी क्लोरो एल्केन का या हेलो एल्केन का, ठीक है, हेलो एल्केन का रिएक्शन एमजी से करा दो, तो आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिल जाएगा. पढ़े हैं हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में, कि कोई भी अगर सी एस इस तरीके से है, सी टू सी फाइव सी एल, उसका रिएक्शन एम जी से करा दो इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, तो क्या मिल जाता है हमको, ग्रिगनार्ड रिएजेंट मिल जाता है. तो अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक बार मिल गया, तो आप उससे क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये मेथड बहुत यूज़ होगा. लाइक अगर आपको दिया हुआ है कोई हेलो एल्केन और बोलता है कि हेलो एल्केन से क्या बनाओ, एसिड बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यही मेथड यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद अगर बोलता है कि आप कोई एल्केन दे दिया हो, C2H6 सपोज, अब बोलता है C2H6 से क्या बनाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, तो क्या करोगे, पहले C2H6 को इसमें कन्वर्ट करोगे. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद फिर ये वाला मेथड यूज़ करके उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे. समझ रहे हैं, तो ये मेथड बार बार यूज़ होगा हमको कन्वर्शन के समय, इसलिए बहुत ध्यान से देखना आपको. ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, तो पहले हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसे कराएंगे, CO2 से. दिस इज द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसका रिएक्शन करा दो CO2 से. ठीक है, सी में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है,
और ये हमेशा ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम लोग, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक। सो Mg जो है मैग्नीशियम मेटल है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस वाला होगा और ये एल्काइल ग्रुप माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे CO2 में क्या होगा, कोई एक ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है। सो इसका किस तरीके से होगा, देखो एक तो O सिंपल लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा वाला O में क्या होगा, माइनस है, तो उसके साथ कौन जाके अटैच होगा, MgX, और इस O के साथ कौन अटैच होगा, सॉरी C के साथ कौन अटैच होगा, दिस R, ठीक है। सो ये हो गया RCO MgX, यस। तो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, CO2 में से एक ऑक्सीजन जो है, इट इज दोनों ही ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्सीजन को हम ले सकते हैं कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो एक माइनस हो गया, दूसरे क्या हो गया, प्लस। तो प्लस से आके कौन जुड़ेगा, ये अल्काइल ग्रुप, तो ये प्लस वाले कार्बन से क्या जुड़ गया, एल्काइल, ठीक है। आप इसको अगर डाउट हो रहा है तो आप उसको इसी तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सपोज प्लस है और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आके कौन जुड़ा, ये एल्काइल ग्रुप और MgX यहाँ पर, ठीक। अब आगे इसका क्या कराना है, आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसको हाइड्रोलिसिस करा लो, H3O+, ठीक है। इस क्या मिलेगा, इसमें दिखाई नहीं है, ठीक। सो आप देखोगे इसमें ना कि कार्बन डाइऑक्साइड ये से एक ज़्यादा वाला जो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एक कार्बन ज़्यादा होता है। जो भी आप यहाँ पर R ले रहे हो ना, जैसे RMgX में सपोज़ आपने C2H5 वाला लिया है, तो आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो एक कार्बन ज़्यादा होगा उसमें, समझ रहे हैं। तो जैसे आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो हमको कौन सा, एल्केन लेना पड़ेगा, एथेन लेना पड़ेगा, एथेन से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। तो इसमें हमेशा एक कार्बन ज़्यादा वाला एसिड मिलता है हमको, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लो। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट क्लोरोमेथेन इनटू एसिटिक एसिड, कन्वर्ट क्लोरोमेथेन इनटू एसिटिक एसिड, बना सकते हैं, बनाइए। तो आ गया सबका, क्या किए पहले, CH3Cl से क्या बनाया आपने, ग्रिग्नार्ड रिएजन, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजन बन गया, उसका किससे रिएक्शन कराओगे आप, CO2 से। CO2 से रिएक्शन कराने के बाद उसका क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। हो गया सबका, आ गया आंसर। कुणाल, भूपेंद्र, फिफ्थ मेथड लिखो, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। सो हमारे पास अगर कोई भी एरोमेटिक एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड ही है, उसका हमको क्या कराना पड़ता है, विग्रस ऑक्सीडेशन कराना है। इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में उसका क्या कराते हैं हम, ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्काइल बेंजीन का। इसमें जो प्रेजेंस रहता है वो होता है एल्कलाइन के एम एन ओ फोर का, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं हम, एल्कलाइन के एम एन ओ फोर। तो पहले क्या मिलता है हमको, सॉल्ट मिलता है, ठीक है। पहले हम एल्काइल बेंजीन का जब एल्कलाइन के एम एन ओ फोर से क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो पहले एक सॉल्ट मिलता है, उस सॉल्ट का क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो, सपोज इसमें सी एस थ्री कनेक्ट है और इसमें सी टू एच फाइव कनेक्टेड है, तो ये इसमें कोई भी कितनी भी लंबी चेन हो वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में ही चेंज होगा, ठीक है। कितनी भी लंबी चेन हो, तो आप इसका क्या कराओगे, पहले के ओ एच और के एम एन ओ फोर में उसका ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, एक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। अब इस सॉल्ट का क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन में भी सेम यही फॉलो होगा, अगर ये C2H5 है, C3H7 है, कुछ भी हो, ये किस में कन्वर्ट होता है,
सॉल्ट में, इसी टाइप के सॉल्ट में, और उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है ये, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, यहाँ पर C2H5 दे दिया, C3H7 दे दिया, और कुछ भी हो यहाँ पर अल्टीमेटली हमको मिलेगा क्या, बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ठीक है, लिख लो, इसके लिए भी रिएक्शन लिख लेना, ठीक है, सेम ऐसे ही रिएक्शन इसके लिए भी लिख लेना। ओके, ये COOK है, ठीक है ना, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, कहीं समझ में नहीं आएगा। पर इसमें एक और कंडीशन ये है कि जो भी कार्बन, ठीक है, जो भी कार्बन रिंग से कनेक्टेड है उसमें एक ना एक अल्फा हाइड्रोजन होने ही चाहिए। अगर रिंग से कनेक्टेड कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर इस टाइप की भी कंडीशन है, तो भी यहाँ पर रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस कार्बन में अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, बट अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सपोज इस टाइप की कंडीशन है, ठीक, अब देखो जो रिंग से कनेक्टेड कार्बन है उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पर बेंजोइक एसिड फॉर्म नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि एक ना एक अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास होना चाहिए। तो इसका भी रिएक्शन पूरा लिख लो आप लोग, है ना, और इसमें क्या लिख लेना, क्रॉस कर देना। ठीक है, यहाँ पर से आपको KOH+KMnO4 करोगे तो आपको बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, लिख सकते हो इसमें, पहले क्या कराएंगे हम KMnO4 और KOH से ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा इसमें, बेंजोइक एसिड। ठीक, तो ऐसा एक स्टेप में भी लिख सकते हैं कि पहले ये कराया और सेकंड स्टेप में क्या करा लिया हमने, हाइड्रोलिसिस। ठीक, हाँ, फर्स्ट वाले में भी कर सकते हैं। तो हमको किससे बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसाइल क्लोराइड से और एनहाइड्राइड से, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एसाइल जो क्लोराइड है उसका हाइड्रोलिसिस करा दो, हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वैसे ही जो एनहाइड्राइड्स हैं उसका भी क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो करवा दो, कोई भी एक ले लेते हैं हम, जैसे RCOCl, दिस इज दी एसाइल क्लोराइड, पता है सबको, है ना, इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, RCOOH और Cl- ion। ठीक है, HCl मिलेगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर H2O में H+ बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl- और ये एसिडिक होगा, तो आप एसिडिक होगा तो H3O+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं क्या लिखते हैं, H3O+, या फिर H2O, और दो तरीके से लिख सकते हो, H2O और क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, H+ भी लिख सकते हो, ये भी बताता है कि आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, या H3O+ भी लिख देते हैं तो वो भी बताता है कि आप क्या करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब हमारे पास कोई एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड को भी देखो, एनहाइड्राइड मतलब क्या है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, उसको पानी में घोल दो तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक, सो एक एनहाइड्राइड ले रही हूँ मैं, ठीक है, अब इसको क्या कराएंगे हम, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस में क्या मिलता है, H+ और OH- ion मिलेगा। ठीक है, सो क्या होगा, कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH, होगा कि नहीं, तो क्या बन गया, C6H5COOH, और उसके कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे मुझे, दो, समझ रहे हैं, एक एच यहाँ और OH यहाँ, तो फाइनली मुझे दो मॉलिक्यूल मिल गए, तो मुझे मिल गया बेंजोइक एसिड। अच्छा, अगर अब दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो, तो जैसे कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या था, फिनाइल ग्रुप था। ठीक है, अब फिनाइल की जगह कुछ और होगा तो क्या होगा, ठीक,
सपोज ऐसा है, तो हमेशा जो बॉन्ड है ना वो यहीं से ही ब्रेक होगा, ठीक है। और लिख लो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा और क्या बनेगा, ओ एच। तो यहाँ पर क्या बन गया, हाँ एथेनोइक एसिड, ठीक एथेनोइक एसिड बन गया, सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच और क्या बना, सी एच थ्री सी ओ ओ एच। तो जो छोटा कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ेगा, ओ एच, और जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है उसके साथ क्या जुड़ेगा, एच। लास्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एस्टर्स, तो यहाँ पर भी एस्टर्स का हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। चाहे आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओ चाहे एसिडिक मीडियम में, दोनों ही केस में हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा, पर ठीक है। पर अगर हम बेसिक मीडियम में कराते हैं तो सबसे पहले हमको एक सॉल्ट मिलता है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या मिलेगा, फाइनली उसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको एसिड मिलता है, ठीक है। सो अगर एसिडिक मीडियम में कराए तो डायरेक्टली हमको क्या मिलेगा, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं एस्टर वाला, आपको याद है क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्ट करते थे और क्या बनाते थे, एस्टर बनाते, जिसको हम एस्टरीफिकेशन बोलते थे, और वो रिएक्शन रिवर्सिबल था, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला के एस्टर बनाया, तो जब एस्टर ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा हमको, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें भी वही होगा, एस्टर को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो वही मिलेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं कोई भी एस्टर, ठीक है, ये है मिथाइल बेंजोएट, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग एसिडिक मीडियम में, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो जो लोअर वाला एल्काइल होगा होगा ना, उसका हमको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, क्योंकि लोअर वाला नहीं बोलना चाहिए, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है एक्चुअली, ठीक है, जहाँ पर ओ रहेगा ना वहीं से ही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। सो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ओ एच इसके साथ कनेक्ट होगा, एच इसके साथ कनेक्ट होगा, तो देखो क्या बना, सी एच थ्री ओ एच बना, और इसके साथ ओ एच कनेक्ट हुआ तो सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच बना। सो बॉन्ड हमेशा ये सी ओ बॉन्ड यहाँ से ही ब्रेक करना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, सिंगल बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है, तो यहीं से ही बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। सो क्या क्या मिलेगा आप देख लो, सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच और क्या मिल जाएगा, सी एच थ्री ओ एच। तो हमको क्या मिला, मेथेनॉल और बेंजोइक एसिड मिल गया, ठीक है। सो ये था हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम था, अब हम बेसिक मीडियम में देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। सो बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, मैंने बताया था यहाँ से, ठीक है। सो H प्लस यहाँ कनेक्ट होगी, क्योंकि ये O निगेटिव होगा ना, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, सो H यहाँ से आके कनेक्ट होगा, तो क्या मिलेगा मुझे, सी टू एच फाइव ओ एच, ठीक है। और जो Na वाला पार्ट है, ठीक है, ओ एन ए वाला पार्ट, वो यहाँ पर आके कनेक्ट होगा, तो सी टू एच फाइव सी ओ ओ एन ए बनेगा, ठीक है। C2H5ONA यहाँ पर आके हो गया कनेक्ट, क्लियर हुआ क्या? अब क्या होगा इसका, हमको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, तो बन जाएगा हमारा C2H5 C डबल बॉन्ड OH और क्या मिलेगा, NaOH फिर से मिल जाएगा, ठीक। तो ये मिल गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड मिला और क्या मिला, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एग्जाम्पल 12.5, राइट केमिकल रिएक्शंस टू अफेक्ट दी फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब खुद सोचना, पीछे से देखना मत,
ब्यूटेनॉल है जिससे हमको ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, एल्कोहल से एसिड बनाना है, तो क्या करवाना होगा उसका? ऑक्सीडेशन कराना है, सिंपल है ना। आप एल्कोहल से जैसे अगर आपको एसिड दिखा तो हमको क्या करा देना है? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए हमको कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए रहेगा, तो हम क्या लेंगे? आप KMnO4 K2Ca2O7 या फिर जोन्स रिएजेंट ले सकते हो, CrO3 प्लस H2SO4। इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड, अगेन एल्कोहल टू आपको क्या बनाना है? हाँ, फिनाइल एथेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है। सो एल्कोहल को यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा आपको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज करके हम क्या कराएंगे उसका? CO2 से रिएक्शन कराएंगे और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? फिनाइल एथेनोइक एसिड मिल जाएगा। क्योंकि एक मिनट, हाँ, बेंजाइल एल्कोहल कैसा होता है फॉर्मूला पता है? यहाँ पर CH2 है, इस ये जो ग्रुप है ना इसको बेंजाइल बोलते हैं। बेंजीन के साथ CH2 लगा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल। और फिनाइल ग्रुप क्या होता है? सिंपल, ये यहाँ पर अभी कुछ अटैच होना बाकी है, इसको फिनाइल बोलते हैं, और ये बेंजाइल है। तो बेंजाइल एल्कोहल में मतलब OH लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, बेंजाइल मतलब ये बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ CH2 होगा। अब उसके साथ कुछ भी कनेक्ट हो सकता है उस CH2 के साथ। बेंजाइल अल्कोहल बोल रहे हैं तो OH कनेक्ट है, ठीक है। सो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ये हो गया फिनाइल। क्या बनाना है उससे? एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेनोइक एसिड बनाना है मतलब यहाँ पर क्या होगा? CH2COH, तो एथेनोइक एसिड हो गया। और ये इससे क्या हो गया? एक फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनाइल एथेनोइक एसिड बोलेंगे। आपको ये बनाना है, ठीक है। तो क्या कराना पड़ेगा? देखो, इसमें एक कार्बन आपको ऐड करना पड़ेगा तभी ये बनेगा। तो सिंपल ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते आप, आपको पहले यहाँ एक कार्बन ऐड करवाना पड़ेगा। कैसे ऐड करवाएंगे? हमने देखा था कि जब CO2 वाला रिएक्शन होता है तो उसमें एक कार्बन ऐड हो जाता है ना। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज करना पड़ेगा। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज करने के लिए पहले क्या करेंगे इसको? पहले तो उसको हेलो एल्केन में चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता था? हेलो एल्केन का रिएक्शन MG से कराओ, तब हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। तो पहले तो इस एल्कोहल को किस में चेंज करोगे? हेलोएरिन्स में। हेलोएरिन्स का रिएक्शन MG से कराओगे तो किस में चेंज होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अब उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 से रिएक्शन कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो चलो स्टेप करें। पहले CH2OH का रिएक्शन आप कराओ HBr से, या HCl जिससे भी कराओ, HBr से करा लो, तो हमको क्या मिल जाएगा? CH2Br मिल जाएगा। यहाँ पर करवाओ चलो रिएक्शन, क्या मिल गया मुझे? CH2Br। अब इसका रिएक्शन मैं किससे कराऊंगी? MG से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। तो मुझे मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH2MgBr, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किससे कराऊंगी मैं? CO2 से, ठीक है। सो अगर ये माइनस है, ये प्लस है, इधर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ऐड करवा दो इसका। इसके साथ क्या कनेक्ट होगा? CH2, है ना। और इस C के साथ क्या कनेक्ट होगा? ये फेनिल ग्रुप पर कनेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं? समझ रहे हैं ना? CH2 भी आएगा, सॉरी, ये CH2 कनेक्ट होगा ना, CH2, और उसके साथ क्या है? ये फेनिल ग्रुप, ठीक है। हाँ, MgBr यहाँ कनेक्ट होगा, गलत हो गया था थोड़ा, ठीक है। MgBr यहाँ कनेक्ट होगा इसको, ये MgBr इस O के साथ और इस कार्बन के साथ CH2, और ये कनेक्ट होगा। अब इसका हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो क्या बन जाएगा? ये COOH बन जाएगा,
और CH2 और यहाँ पर क्या कनेक्ट होगा हमारा, इस स्टेप में कहीं डाउट है क्या आप लोगों को, समझ रहे ना? ये वाला पूरा का पूरा ये वाला उठा के मैंने कहा रखा यहाँ इस कार्बन के पास, ठीक है, और फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो COOH हो गया, ये CH2 तो रहेगा ही रहेगा और साथ में ये तो क्या बन गया, मुझे मिल गया बेंजोइक एसिड। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CO2 से भी रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर किसका प्रेजेंस रहेगा, इथर का, ठीक है, यहाँ पर भी ड्राई इथर का ही प्रेजेंस रहेगा। तो मिल गया क्या बेंजोइक एसिड, किससे हमको, बेंजाइल अल्कोहल से, फिनाइल एथेनोइक एसिड है ये। अच्छा थर्ड वाला देखेंगे, 3-नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन 2-3-नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये हो गया क्या, लिख लिए, नहीं लिखे, इधर ये हो गया क्या यहाँ तक, पहले तो ना सिंपल ऐसे लिख लिया करो कि क्या बनाना है और क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3-नाइट्रो, हाँ दिस इज 3-नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन 1-नाइट्रो, ठीक है, ये हो गया 3-नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, इससे हमको क्या बनाना है, ठीक, कैसे बनाएंगे, हाँ BR दिया है तो आप क्या करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन कराओ, CO2 के साथ रिएक्शन कराओ फिर हाइड्रोलिसिस कराओ तो आपको फिर से मिल जाएगा, सेम यही स्टेप रहेगा, ठीक है ना, बना लेंगे खुद से कर लेंगे। नेक्स्ट है 4-methyl acetophenone 2-benzene 1-4-dicarboxylic acid, पहले तो 4-methyl acetophenone बनाइए, एसिटोफिनोन जानते हैं ना कैसा होता है, एसिटोफिनोन है, ठीक है, तो आपका इस तरीके से फिनोन तो एक ये रहेगा CH3 रहेगा, है ना, और 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो 1-2-3-4 पे क्या कर दो, मिथाइल कर दो। अब इससे हमको क्या बनाना है, वन फोर, ठीक है ना, यही बनाना है। तो देखो CH3 को COH बनाने के लिए मैंने बताया था क्या करना पड़ता है, उसका ऑक्सीडेशन है ना, ठीक है, और कैसा अल्कलाइन KMnO4 में, उसी तरीके से आप देखो CH3CO एसीटोन है, एसीटोन को अगर मुझे एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, उसका भी ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, तो एक साथ ऑक्सीडेशन कर दो दोनों का, तो ये भी COOK में कन्वर्ट होगा, ये भी COOK में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करा देंगे हम, हाइड्रोलिसिस, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले ही, ये वाला मैंने बताया था आपको एल्काइल बेंजीन से कैसे बनाना है, देखो एल्काइल बेंजीन है ना, क्या कराना था उसका हमको, KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराना था, ठीक है, तो करवा दो, सिंपल है बहुत, इसमें कुछ नहीं है, ठीक, KMnO4+KOH, तो दोनों ही जो उसका है उसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम उसका, हाइड्रोलिसिस, ठीक, तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन मतलब कैसा होगा, साइक्लो है मतलब तो ये है और हेक्सीन है मतलब कहीं ना कहीं पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, तो दिस इज साइक्लोहेक्सीन, इससे क्या बनाना है आपको, हेक्सेन 1,6-dioic एसिड, तो हेक्सेन है अगेन, हेक्सेन है मतलब
और वो साइक्लो नहीं है तो साइकिल तो होगा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन में क्या अटैच है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। तो हमको क्या करना है, इस एल्कीन वाला जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देना है। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो कुछ नहीं है, इसको ऑक्सीडेशन करा, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है दोनों से, मतलब मैं यहाँ पर क्या करा रही हूँ, इसका ऑक्सीडेशन करा रही हूँ। ऑक्सीडेशन किससे कराएंगे हम लोग? KMnO4 से, ठीक है। और ये कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा, ठीक है। KMnO4.H2SO4 और उसको हीट करना है क्योंकि बॉन्ड भी ब्रेक करना है मुझे। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जब तक मैं एनर्जी प्रोवाइड नहीं करूँगी कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। तो ये दिस इज साइक्लोहेक्सीन और ये क्या है, हेक्सेन 1,6-dioic acid, ठीक है। ओके, लास्ट वाला तो बहुत ही इजी है, आपको ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। और इस समय हम कैसा ऑक्सीडेशन करेंगे? कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पढ़े हैं, टॉलेंस ले लो और क्या मिल जाएगा हमको? ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। सो ब्यूटेनल लिख दो आप, ब्यूटेनल का फॉर्मूला सबको आता है, है ना। उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, टॉलेंस रिएजेंट लिख दो, ओ लिख दो और साथ में इधर क्या बना दो, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है, बन जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्शन बहुत ईजी है, ऐसे कुछ टफ नहीं है। 12.7 खुद से करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ऐसे ही बनाना है, इथाइल बेंजीन, एसिटोफिनोन, ब्रोमोबेंजीन और दूसरा है फिनाइल एथीन। सब में ऑक्सीडेशन वगैरह होगा, कहीं पर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है और आधे से ज़्यादा जगह तो ऑक्सीडेशन ही कराना है आपको, ठीक है। तो चारों बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। अब हम लोग जब मेरा पीरियड आएगा तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को? ठीक, तो अगली क्लास में हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।